गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 4। कैन आई फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन 12 ब्रैकेट में x प्लस 6 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में y माइनस 2। ये इक्वेशन दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन है और कहा है कि आप इसका डिस्टेंस बताइए इस पॉइंट से। तो थोड़ा सा इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे मान लिया कि कोई एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है x1 और y1 हम मान लिया, और एक कोई लाइन दिया है, ये लाइन जो है लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है लाइन का। तो ये एक तरह से कोई लाइन है, मान लिया कि ये लाइन है। अब यहां से इसका डिस्टेंस बताना है, तो इसका डिस्टेंस बताने के लिए मतलब बात ये हो रही है कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए इस लाइन पर। तो यानी पॉइंट जो x1 y1 है और जो लाइन दी गई है, लाइन का जनरल इक्वेशन है ax plus by plus c equal to 0, इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इसका इसका हमें बताना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बताने के लिए इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वही इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा। तो इसका फार्मूला ये होता है, फार्मूला आप लिख लीजिए, इसको ऐसे आप लिखिए, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। लेकिन हमारा पॉइंट यहां पर क्या है, x1 y1 फ्रॉम द लाइन, और जो लाइन है लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो डिस्टेंस की बात जो हम कर रहे हैं, ये एक तरह से देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी परपेंडिकुलर की लेंथ जो इस पर ड्रा किया गया लाइन पर। तो इसको आप d से लिख सकते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। देखिए यहां पर क्या होता है ना, कभी कभी ऐसे मॉड लगा देते हैं, ऐसे करके मॉड इसे लगाया जाता है क्योंकि कभी ये नेगेटिव में आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव में आ जाता है तो मॉड जब हटाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, और वैसे भी आप मॉड नहीं भी लगाते, इसको कैलकुलेशन करते जाइए अगर वो नेगेटिव में आ जाता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव में आता है तो नेगेटिव साइन छोड़ दीजिए, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं है। अगर मॉड आप लगा दीजिए, क्या करना है, मॉड लगाइए, अगर नेगेटिव में आएगा तो बाद में मॉड हटाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट है, तो हमारा पॉइंट -1, 1 है, और यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है 12 x + 6 = 5 y - 2, ये दिया। तो हमें इसको जनरल इक्वेशन में लिखना पड़ेगा और फिर हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करके इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकाल लेंगे। तो ठीक है, अब इसको पहले ये जो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है इसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद हमारे पास पॉइंट है, डिस्टेंस तो निकाल ही लेंगे। तो आप ये फॉर्मूला, इस ये जो फॉर्मूला यहाँ बताया हमने, इसको आप कॉपी कीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं, फिर बताते हैं आगे आपको। स्टूडेंट्स यहां पर हम देखते हैं इक्वेशन क्या है, ये है इसका सॉल्व देखते हैं। इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी लाइन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसे कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, मतलब लाइन का जनरल फॉर्म है, एक इक्वेशन है अभी। तो सारे स्टैंडर्ड फॉर्म जो आप पढ़े हुए, सारे स्टैंडर्ड फॉर्म को एक फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, उसको कहते हैं जनरल फॉर्म। अब यहां पर इसको लिखिए 12x + 6, उसके बाद यहां है 5 y - 2, ऐसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं
12x 72 5y माइनस 10 ये हो गया 12x इधर ले आया तो माइनस 5y इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये 10 ऐड हो जाएगा मतलब प्लस 82। ये हमारा जनरल इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन है लाइन का। और एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, पॉइंट दिया है माइनस 1 1। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए फार्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस का फार्मूला होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहीं पर मॉड लगा देते हैं। अगर आप मॉड ना भी लगाए, पॉजिटिव में आता है तो कोई बात नहीं, अगर नेगेटिव में आता है तो नेगेटिव साइन को छोड़ दीजिए। अगर मॉड लगाएंगे नेगेटिव में आएगा तो मॉड जब हटाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन अगर यहां लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट हमारा क्या है माइनस वन, माइनस वन कॉमा वन फ्रॉम द लाइन। और लाइन का इक्वेशन हमारे पास है ये, देखिए ये जो लाइन दिया है इसी का तो हमने इसको जनरल फॉर्म में लिखा तो ये मिला, यानी इस फॉर्म में x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, तो ये हो गया 12x 12x माइनस 5y माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल टू 0। तो फार्मूला हमारे पास है ये, देखिए फार्मूला ये है, यहां देखेंगे और यहां लिखेंगे डी। ए क्या है, ए तो x का कोफिशियंट है, ए x का कोफिशियंट, तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे 12 लिख लीजिए 12। उसके बाद x x1 का मतलब यह पॉइंट, ये पॉइंट जो है ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। तो x1 कितना है, x1 है माइनस 1 तो ब्रैकेट में माइनस 1 लिखिए। उसके बाद प्लस, फिर फॉर्मूला देखिए b है, मतलब b क्या y का कोएफिशिएंट माइनस 5 तो माइनस, चलिए माइनस 5 हमने कर दिया। उसके बाद y मतलब यहां पर क्या है y1 है इस जगह पर, देखिए y1 तो y1 कितना है यहां पर 1 तो यहां लिख देंगे 1 × 1। और उसके बाद प्लस c, देखिए यहां c है और यहां पर c हमारा क्या है इस लाइन में, इसको आप देखिए इसको इसका डिस्टेंस कहा है ना, इसी का डिस्टेंस कहा है ये, इस यहां से भी आप देख सकते हैं इसी का डिस्टेंस कहा है। तो c है 82, यहां रख देंगे 82 और यहां लगा देंगे मॉड, ऐसे करके मॉड लगा देंगे, ठीक है मॉड लगा दिए और मॉड हो गया। अब इसके बाद देखते हैं यहां पर आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। और उसके बाद एक फॉर्मूला तो और रह गया ना, थोड़ा सा रह गया, क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर उसके बाद प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही करके, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ट्वेल्व और उसके बाद माइनस 5 प्लस माइनस और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 प्लस 82 और इसको सॉल्व करते हैं, इसको स्क्वायर लेंगे तो 154 और प्लस 25, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ तक आप कॉपी कीजिए, बताते आगे स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, तो ये जो डी की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ये डी हो गया और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मॉड लगा हुआ है 82 है और ये 82 और देखिए 82 और इसको दोनों को ऐड कीजिए 70, ये माइनस का ये प्लस का सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और ये हुआ 65 पॉजिटिव होगा 65 और
इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया 169। मॉड हटा दी है, कोई लेना देना नहीं उससे, पॉजिटिव ही है, 65 हो गया और इसका हो जाएगा 13। इसके स्क्वायर रूट 13 कट कर दीजिए तो डी 5 आएगा, 5। यानी डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है पॉइंट से वो निकला 5, तो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस आया 5 यूनिट। ठीक है, ऐसे डिस्टेंस ऐसे निकाल लेंगे इसको। तो आप जो फार्मूला बताया इस फार्मूला को याद रखिएगा, मॉड इसे लगा देते हैं, अगर अगर ये नेगेटिव में आ जाता है तो मॉड हटाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, क्यों नेगेटिव, अगर आप मॉड नहीं लगी लगाएंगे ऐसे बना दिए तो अगर पॉजिटिव में आता है तो ठीक है, अगर पॉजिटिव में नहीं आता नेगेटिव में आता है तो नेगेटिव साइन छोड़ दीजिए, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव या डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको आप कॉपी कीजिए, अच्छे समझिए, फिर नेक्स्ट बताएंगे, फॉर्मूला याद रखिएगा इसको। थैंक यू।